चूंकि एक अहम बयान एक सीनियर फौजी अफसर का सामने आया और मजीद पेशरफ्त ये हुई है कि 460 नई भर्तियों की पहली परेड हो चुकी है और इस मौके पर जहां पर दरअसल के अंदर जब परेड हो रही थी जम्मू में तो जम्मू सूबे के अंदर सबसे बड़ी परेड इसलिए देखा जा रहा था क्योंकि नए नौजवानों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। 460 नए नौजवान जिनने तकरीबन 40 हफ्तों की जो ट्रेनिंग थी तरबियत थी वो मुकम्मल करने के बाद बिलाखिर इस परेड में हिस्सा ली और इस मौके पर चूंकि कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एम के दास जो मेहमान खसूसी की हैसियत से इस परेड में शिरकत कर रहे थे सलामी ली नए नौजवानों की हौसला अफजाई की उनका बयान भी सामने आया है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर नए नौजवानों को जो ट्रेंड हैं 40 हफ्तों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है उनको जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें लाइट इन्फेंट्री में यानी जैकलाई के अंदर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर नई सूरत हाल या आज के वक्त में चैलेंजेस अगर हैं तो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह उन्हें तैयार किया गया है आगाही उन्हें है। एक ये बयान उनका सामने आया है। दूसरी बड़ी बात उनकी उन्होंने अपने खिताब में सोशल मीडिया के हवाले से भी की है क्योंकि आज के दिन में उनके मुताबिक वॉरफेयर के सब वक्त में नौजवान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सोशल मीडिया का करते हैं और कश्मीर में हालात बहुत हद तक बेहतर हैं। दास के मुताबिक गुमराह करने वालों की कोशिशें अब कामयाब नहीं होने दी जाएंगी क्योंकि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले हालात इस बार मुख्तलिफ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि लेफ्टिनेंट जनरल दास की तरफ से अपने लेफ्टिनेंट जनरल दास ने कहा कि जहां असला की ट्रेनिंग दी गई है वहीं पर नागानी आफात से किस तरीके से निपटा जाए और मौजूदा पेंडेमिक के अंदर क्या कुछ और जिम्मेदारियां इन नए नौजवानों पर है इस पर भी उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग भी साथ साथ जो है वो फौज के अंदर अब दी जा रही है। इधर कल की तकरीब के दौरान पीर सिराज अहमद वानी को शेर कश्मीर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और त्रिवेणी सिंह मेडल से भी नवाजा गया क्योंकि ये शख्स पीर सिराज अहमद वानी जो था वो ओवरऑल बेस्ट रिक्रूट के तौर पर सामने आया।